स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल S2T में। आज के शो कैमरा ट्यूसडे में हम बात करेंगे, हम फूजी फिल्म को रेकमेंड क्यों नहीं करते हैं। ये मेरा आइडिया है, मेरा मतलब सोच समझ है, मैं इसको आपके सामने रखना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने पिछले बार किसी वीडियो कमेंट में देखा था कि अगर मैं फूजी फिल्म को हेट करता हूँ, पहले यह सुन के मुझे बहुत हंसी आया, क्योंकि मैं हेट करके मुझे क्या मिल जाएगा। लेकिन एक कारण है जिस कारण से मैं नहीं रिकमेंड करता हूँ फूजी को, तो आपके सामने ये बात रखना चाहूँगा। तो उससे पहले समझ लेते हैं फूजी फिल्म अच्छा क्या करता है। सबसे पहला बात आप ये समझिए, अगर आप नाइकॉन और कैनन को लेते हैं, दोनों एक दूसरे का डिक्टो कॉपी है। मतलब दोनों का डिजाइन लगभग सेम होता है, 100% कॉपी रहता है। खास करके हायर एंड में आप जाएंगे जहां पे हर बात का बटन होने लगता है, तो लगभग एकदम मतलब डिक्टो कॉपी है। तो ऐसा नहीं है कि कैनन स्टैंड करता है या नाइकॉन स्टैंड करता है, दोनों सेम है। सोनी थोड़ा अलग है, लेकिन अब सोनी भी मतलब ऐसा कुछ डिजाइन में टाइम लेके नहीं बनाया। लेकिन अगर आप फूजी में आते हैं, तो फूजी डे वन से, यानी कि जब उन्होंने पहली बार अपना कैमरा बनाने का स्टार्ट किया, वो एक एनालॉग फिल्म का लुक जो है उसको बचा के रखना चाह रहे थे। तो इसीलिए फूजी फिल्म अगर आप कहीं लेके चलते हैं, तो एक्चुअली लोग देखेंगे कि अरे क्या है, क्योंकि मतलब सब लोगों को काला डब्बा दिखा है, काला डब्बा कैनन का हो चाहे नाइकॉन का चाहे सोनी का हो, ये एक्चुअली अलग डिजाइन का है। तो लोग ध्यान देते हैं, नोटिस करते हैं, और फूजी काफी डिजाइन पर मेहनत करता है। तो मतलब आपको लगेगा कि फूजी की जो बॉडी है वो किसी आर्टिस्ट ने बनाया है। तो ये काफी बड़ा और कुछ लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा, कैमरा जो है इनका, मतलब ठीक है वो तो लुक हो गया, कैमरा जो है ये काफ़ी अच्छा आता है, और इसका कलर जो है बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, खास करके जो जेपेग में आता है, रॉ में नहीं। यहाँ पे ये बात मैं एकदम क्लियर करने चाहूँगा कि रॉ में कलर आप करते हो, आप जब उसको लाइट रूम में ले जाकर छेड़ते हो तो वो आप कलरिंग कर रहे हो, तो वो आप पे है। कुछ लोग तो सोनी में मतलब फॉर्म ये अपलोड कर देते हैं, कस्टम प्रीसेट अपलोड कर देते हैं ताकि वो कैनन जैसा दिखे। कुछ लोग कर देते हैं कि नाइकॉन जैसा लगे, कुछ लोग फूजी जैसा कलर, ये सब किया जा सकता है। लेकिन अगर जेपेग की बात करें, सीधे कैमरा स्टार्ट किया और जेपेग से जो फोटो आ रहा है उसी को इस्तेमाल करेंगे, तो फूजी का एक अलग मतलब सिग्नेचर है। मतलब लोग कहेंगे कि हाँ इसका कलर थोड़ा सा अच्छा है, रॉ में उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मतलब सर स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा बहुत अच्छा है। दूसरा, बहुत सारा छोटा छोटा चीज़ होता है जो बड़ी बड़ी कंपनी मिस कर देती है अलग अलग कारण से। मतलब ऐसा नहीं कि कंपनी को नहीं पता, लेकिन किसी ना किसी कारण से करते हैं। और मैंने जितने भी पुराने वीडियो बनाई है उसमें ये बात कहा है कि फूजी के पास कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, यानी कि फूजी अपना प्रोडक्ट को दिल खोल के बढ़िया बनाता है। सोनी ऐसा नहीं कर सकता है। जैसे मान ली सोनी APS-C फॉर्मेट का जो कैमरा बना रही है, जैसे कि A6600, इतना महंगा है, तब भी उसमें डुअल कार्ड स्लॉट क्यों नहीं है? क्योंकि अगर देने लगे तो लोग प्रोफेशनल वाले लाइन को नहीं खरीदेंगे, उसी से काम चला लेंगे। इसी कारण से सोनी के पास कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, सेम नाइकॉन के पास भी है, सेम कैनन के पास भी है। तो इसीलिए इसको ये प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ही में सब चीज डालता है, जैसे कि डुअल कार्ड स्लॉट, जो कि मतलब जो लोग प्रोफेशनल फोटोग्राफी कर रहे हैं, यानी कि जिनकी रोजी रोटी आ रही है, और इवेंट फोटोग्राफी कर रहे हैं जहां पे बार बार आप रीशूट नहीं कर सकते, वहां पर यह काफी इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा, इनका ऑटो फोकस जेन्युइनली काफी अच्छा है। मतलब नाइकॉन सोनी मतलब नाइकॉन नहीं बोल रहा हूं, कैनन सोनी और इसके फूजी, मतलब लगभग समझिए सब एक ही लेवल है, तो ऑटो फोकस काफी अच्छा है। एक बात जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि इनका मतलब जो फिल्म का स्टाइल लेके चले थे, इनके लेंस में भी इन्होंने फिल्म का स्टाइल रखा हुआ था। साइड इफेक्ट उसका ये हुआ कि इनका लेंस अच्छा से ऑटो फोकस कर लेता है, लेकिन थोड़ा धीमा है, और यही सबसे फास्टेस्ट ऑटो फोकस सोनी इसलिए दे पाता है कि सोनी आया था टीवी कैमरा की दुनिया से, वहां पे ऑटो फोकस एकदम लाइटनिंग फास्ट होता है। तो सोनी का एक वो एक्सपीरियंस है कि कैसे फास्ट फोकस बनाते हैं, साइलेंट फोकस बनाते हैं, वो सोनी के सारे लेंस में आपको दिखेगा। फूजी में वो उतना स्नैपीनेस नहीं है, उसका ऑटो फोकस बहुत बढ़िया है, बस स्नैपीनेस नहीं, मतलब थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन काफ़ी अच्छा ऑटो फोकस है। प्लस इनका एक लाइनअप है, दूसरा लाइनअप वो मीडियम फॉर्मेट, वो एकदम अलग है, तो उसके बारे में नहीं सोचेंगे, वहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि एक कैमरा आता है $1,000 का, दूसरा आता है $10,000 का, तो बहुत बड़ा अंतर है, तो मतलब वहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि मतलब इनका लेंस खरीदिए, इनका कैमरा खरीदिए, आपको नहीं चाहिए APS-C है कि नहीं है, एक लेंस एक कैमरा। और ये लोग काफ़ी अच्छा सपोर्ट भी करते हैं, मतलब जैसे ये और पैनासोनिक काफ़ी तहलका मचाए थे, क्योंकि ये लोग कैमरा जब रिलीज़ कर दिए उसके बाद भी उस पर फर्मवेयर अपडेट करते गए। मतलब ये फूजी का काफ़ी सारे मॉडल में ऐसा था कि स्टार्टिंग में जब कैमरा आया सब लोग का रिव्यू खराब आया, लेकिन पॉलिश करते करते के बाद जो लोग 1 ईयर के बाद जो रिव्यू करते ना, कि आफ्टर 1 ईयर, उन सब का रिव्यू चेंज हो गया कि भैया इतना सारा प्रॉब्लम था वो फिक्स कर दिया गया। तो ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट भी करते हैं, तो ये सारी अच्छी बात है। और इनका लेंस सिलेक्शन, कि कितने लेंसेज आपको अवेलेबल हैं इंडिया में, मैं इंडिया के साइट से देख के बता रहा हूँ, इंडिया का डिटेल बता रहा हूँ, ये इनके पास 27 फूजी नॉन लेंसेज अवेलेबल हैं जो आपको मिल जाएगा। और ये इकलौती कंट्री मतलब कंपनी है जिसको बैटरी ग्रिप बनाना आता है। मतलब इसका बैटरी ग्रिप जो है ना, ये साइड में बस कवर है, वो ज़बरदस्ती का घुसता नहीं है। ये मतलब कितना स्मार्ट आइडिया है, ये किसी ने मतलब भाई दो बैटरी इसमें रखो, कैमरा बॉडी के अंदर भी एक बैटरी रखो, तो समझ रही है, तीन बैटरी से चलता है, और कॉन्टैक्ट्स के लिए अलग से रखा हुआ है ताकि आपको वो बैटरी
बैटरी डोर खोल के नहीं करना पड़ेगा। ये बहुत स्मार्ट आइडिया है, मतलब हम सरप्राइज है कि मतलब नाइकॉन तो हद से ज़्यादा बड़बक वाला बैटरी बैंक बनाया जी सीरीज़ के लिए, मतलब उसमें तो शटर वटर भी नहीं है इसमें, मतलब वो सब कंट्रोल कम्युनिकेशन सब है लेकिन 3 बैटरी है ये, मतलब कैनन भी नहीं देता है, तो ये बहुत स्मार्ट है। तो ये सारे अच्छे बात है मतलब फूजी का, कि मतलब पहला ये एक्चुअली डिफरेंट है, एक्चुअली यूनिक है, इसका थोड़ा फील है। काफ़ी लोग सिर्फ उसी बात से इसको खरीदते हैं कि भैया इंजॉय करते हैं, मज़ा आता है कि यूज़ करने में। कैमरा भी बुरा नहीं है, अच्छा है, और खास करके जो लोग सीधे फोटो खींच के इंस्टाग्राम में डालना चाहते हैं उनके लिए इनका जो जेपेक का प्रीसेट्स है वो बहुत अच्छा है। प्लस ऐसा भी नहीं है कि आप कैमरा खरीद तो कंपनी आपको भुला देती, कंपनी आपके लिए पॉलिश करती रहती है, फर्मवेयर को अपडेट आता रहता है हर 6-7 महीने में, तो वो भी है। प्लस लेंस का भी ऐसा बात नहीं कि एक ही 2 लेंस है, लेंस का भी है। जैसे मतलब अभी अगर आप नाइकॉन का मिररलेस खुश जी सीरीज़ में, तो आपके पास 5 लेंस भी नहीं है ढंग से, कैनन में भी वही बात है और पैनासोनिक में भी सिर्फ 3 ही लेंस है, तो समझ लीजिए यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं है। और बैटरी ग्रिप पे तो मैं दिल आ गया, तब मैं क्यों नहीं बोलता हूँ लेने को। यहाँ पे अब समझिए, APS-C जो है, जो इसको आप लोग समझते हैं, आप लोगों को पता होगा ऐसा फिल्म आता था पहले बड़ा सा 35mm का जो रोल होगा, काफ़ी लोगों के घर में होगा ही। और उसके बाद काफ़ी लोगों ने ट्राई किया था एक फिल्म फॉर्मेट बनाया जिसका नाम था APS-C, जो उससे छोटा था। ये फॉर्मेट पिट गया, आया जितना स्पीड से आया उतना स्पीड से गायब भी हो गया। और आप ये समझिए APS-C का फॉर्मेट कभी नहीं चला था, और 35mm को हम लोग जब फुल फ्रेम जो कहने लगे ना, वो इसलिए हुआ कि 35 को सब लोग पहले 35 ही बोलते थे, क्योंकि समझिए पुरानी जो सिनेमा इंडस्ट्री थी, जो मतलब फिल्म रील में काम करती थी, वो लोग के लिए मतलब छोटा छोटा कैम क्वार्टर्स बनाया गया जो फिल्म पे चलता था, तो इसीलिए होता ना 8mm 16mm ये सब बनाया गया था, इसीलिए फिल्म के टाइम में सब लोग मिलीमीटर ही बोलते थे सीधा सीधा। ये फुल फ्रेम हम लोग इसलिए बोलने लगे कि जब डिजिटल आया आज से करीब 20 साल पहले, तो समझिए कि उनको पहले APS-C ही बनाए, क्योंकि APS-C सस्ता पड़ रहा था, सेंसर उतना छोटा बनाना सस्ता पड़ रहा था, लेकिन मतलब क्योंकि प्रोफेशनल लोग घुस नहीं रहता और प्रोफेशनल लोग ही अफोर्ड कर पाते डिजिटल कैमरा स्टार्टिंग के टाइम में, तो उन्होंने किसी तरह रोग आके फुल फ्रेम बनाया, तो उसको मतलब उन्होंने ही ये नाम दे दिया, उसी के चलते इसका 35mm लोग 35mm नहीं कहते, फुल फ्रेम कहते हैं। और फुल फ्रेम जो है, जो फॉर्मेट है 35mm का, जो मतलब डिज़ाइन है, मैथमेटिक्स है, ये 100 साल से पुराना है, यानी कि मतलब इसके लिए लेंसेस बनाना का काम मतलब प्रचलन चली आ रही है, प्रथा चली आ रही है 100 साल से, मतलब DSLR भी इसी के चलते सक्सेसफुल हुआ है। तो समझ लीजिए कि 35mm एक सॉलिड टाइम टेस्टेड चीज़ है। और क्रॉप फैक्टर जो है, जो आप लोग सुनते होंगे, जैसे ये कैनन का आपने फुल फ्रेम ले लिया, बल्ले बल्ले कैनन का आपने APS-C ले लिया, अब आपको देखिएगा भैया दोनों का लेंस जो लगेगा वो तो सेम है, तो यहाँ पे APS-C है, ये फुल फ्रेम है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो क्रॉप फैक्टर जो आप सुनते हो ना 1.6x, कैनन के मामले में 1.6 होता है, नाइकॉन के मामले में, सोनी के मामले में, फूजी के मामले में 1.5 होता है। कैनन थोड़ा और पैसा बचाने के चक्कर में और छोटा कर दिया था अपना सेंसर को, तो उसके चलते क्रॉप फैक्टर लगता है, जो कि आप लोगों में से काफ़ी लोगों को पता है कि जैसे भैया 10mm है वो 10mm बन जाएगा 16mm, अगर मतलब 10mm का फुल फ्रेम लेंस लगा दिए APS-C में वो 16 हो जाएगा। ये एकदम सही है, सब लोगों को पता है। घोटाला होता है कि वो लोग मिलीमीटर में तो लगा देते हैं, एपर्चर में नहीं लगाते। जैसे ही आप एपर्चर में लगाएंगे आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, कि इसी के चलते आपको दिखेगा कि जितना भी ओलंपिक हो, चाहे जितना भी स्पोर्ट्स शूटिंग हो, जो लोग मतलब प्रोफेशनल की रोजी रोटी आ रही है उनके पास हमेशा नाइकॉन और कैनन या बड़ा बड़ा हस्तपुष्ट तंदुरुस्त लेंस क्यों होता है, क्यों नहीं वो लोग माइक्रो फोर थर्ड से नहीं कर लेते, क्यों नहीं APS-C से कर लेते। जैसे ही आप एपर्चर में वो क्रॉप फैक्टर लगाएंगे आपका दिमाग खुल जाएगा। इसीलिए बोल रहा हूँ कि मतलब एक ये सिस्टम ही नहीं चला, इसीलिए फिल्म के साथ भी यही हुआ कि फिल्म कैमरा जो SLR आता था उसमें भी लोगों ने ट्राई किया ये APS-C बनाने का, लोग बोले भाई क्यों करूँ ऐसा, क्योंकि क्रॉप वो मेरा लेंस को बैंड बजा दे रहा है। ठीक है, आप बोलोगे टेलीफोटो हो रहा है, तो टेलीफोटो ऐसा थोड़े हो रहा है कि आप एक्चुअली दूर का चीज़ देख रहे हो, क्योंकि आप देखिए लेंस का जो प्रोजेक्शन एरिया है वो इतना है। ठीक है, अब उसमें से आप कोशिश किए कि लगभग 100% कवर कर लिए या तो छोड़ दीजिए, तो मतलब आप समझ रहे आप घुस जा रहे हैं, क्रॉप कर रहे हैं, मैग्नीफाई नहीं कर रहे हैं, ये दोनों में अंतर होता है। मैग्नीफाई का मतलब आप एक्चुअली फोटो बड़ा कर रहे हैं, वैसा यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ पे आप सीधे इग्नोर कर दे रहे हैं लेंस, मतलब लेंस जो प्रोजेक्शन कर रहा है आपका सेंसर सीधे इग्नोर कर दे रहा है, उसको देख ही नहीं रहा है। तो इसीलिए कि ये सुनने में सबको लगा क्रॉप फैक्टर, लोग इंटरनली सोचते कि वो मैग्नीफाई कर रहा है, मेरा 100mm का लेंस 160mm हो जाएगा, तो लोग को लग रहा है जूम हो रहा है, जूम नहीं हो रहा, क्रॉप कर दे रहा है, वो डिटेल हटा दे रहा है फोटो से, तो इसीलिए। और मिलीमीटर तो सब लोगों को पता चल जाता है, लेकिन एपर्चर में ना लगाने के चलते काफ़ी लोग बुड़बक बजा देते हैं, और वो लोगों की गलती नहीं है, कंपनी आपसे पैसा निकालना चाहता है और आपको कम से कम प्रोडक्ट देना चाहता है, आपका काम है आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट लें और कम से कम पैसा दें, तो ये दोनों का बीच में होता है, कंपनी जनरली स्मार्ट निकल जाती है।
और दूसरा, आपने मान ली, ये तो समझ में आ गया होगा आपको कि मिलीमीटर तो आपको सबको पता ही है, लेकिन एपर्चर में होता है, मैं आगे बता दूंगा उसका क्या मतलब पड़ता है। और आप एक समझिए कि अगर आप ISO परफॉर्मेंस यानी कि नॉइस परफॉर्मेंस जो हो रहा है आपके सेंसर का देखिएगा, तो भी फुल फ्रेम ही आपको बेटर है। ऐसा क्यों है, आप ये समझिए, जैसे आप 24 मेगापिक्सल का APS-C सेंसर लिए फूजी का, उसका पिक्सल पिच यानी पिक्सल कितना बड़ा है, वो है 3.9 माइक्रोमीटर, ठीक है। और आप आते हैं ये 24 मेगापिक्सल फुल फ्रेम, जैसे कि A7 Mark III आते हैं, वो है 5.9, लगभग मतलब 30-40% ज़्यादा जगह है उसके सेंसर में, यानी कि सेंसर जो बाल्टी है जिसमें फोटॉन्स आ रहे हैं, जिसको कैप्चर किया जा रहा है, उसको वोल्टेज में बदला जा रहा है, उस कैमरा उसको डिजिटाइज कर रहा है, वो बाल्टी छोटा होने से ये मतलब लिटरली नॉइज ज़्यादा आता है, उसको लोग बड़ा रखना चाहते हैं जितना बड़ा कर सकें। तो आप समझ लीजिए, मेगापिक्सल अगर आप सेम कर देते हैं तो आपको फुल फ्रेम ही बेटर देगा। इसी ये मतलब APS-C का मैथमेटिक्स सपोर्ट नहीं करता, आप देख सकते हैं, मतलब लेंस तो यहीं प्रोजेक्ट कर रहा है ना, ये तो सीधा छोड़ दे रहा है, हम देखेंगे ही नहीं बाकी डिटेल को, इसीलिए एपर्चर भी घट जाता है। तो अब बात करते हैं जो सबसे बड़ा झूठ था, ये माइक्रो फोर थर्ड का बात था, माइक्रो फोर थर्ड ने झूठ ये बोला, ये फूजी भी ऐसा ही करता है कि हमारा जो लेंस है ना ये फुल फ्रेम जितना है और हल्के में है। तो ये बात एकदम झूठ है, क्योंकि उसका लेंस जो है ना कि हल्का है ना ही सस्ता है, मतलब आप ये मत समझिए कि छोटा लेंस मिलेगा, नहीं, छोटा सेंसर ही आपको बस मिल रहा है, आपका लेंस अभी भी बड़ा होगा। इसीलिए टेलीस्कोप जो आप देखते हैं ना, टेलीस्कोप इतना बड़ा बड़ा क्यों बनाना पड़ता है, अगर छोटे में हो जाएगा तो क्यों नहीं करेगा कोई। तो वही बात है कि ये मतलब आपका टेलीस्कोप ही है ना, टेलीफोटो लेंस ही तो हम लोग कहते हैं ना इसको, तो समझिए ना तो छोटा है ना तो हल्का है। दूसरा, क्रॉप फैक्टर जब एपर्चर में नहीं लगाते हैं तभी लोग ऐसे बेवकूफ़ बन जाते हैं। और जो मैं आपको यहाँ पे वजन और दाम बता रहा हूँ, ये दोनों का उनके साइड से उतार गया, ये सोनी का दाम, सोनी का वजन मैं सोनी के साइड से निकाल रहा हूँ, फूजी का दाम, फूजी का वजन मैं फूजी से बता रहा हूँ। और अगर आप लोग में से कोई लोग, क्योंकि मेरे पिछले बार एक नायकॉन के बंदे ने कमेंट किया था कि आप दाम गलत बता रहे हो, भाई मैं दाम उनके साइड से देख के बता दिया, अब आप कहोगे कि मार्केट में मुझे कम में मिल रहा है, अरे हो सकता है, मैं बोलूँगा कि सोनी का दाम कम है मार्केट में, तो कोई बोलेगा नहीं फूजी का तो फ्री में हमको मिल जा रहा है। तो इसीलिए मैं दोनों के उनके ही साइड से उठाया हूँ डेटा। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्रॉप फैक्टर जब आप एपर्चर पे लगाते हैं तब कैसे दुनिया बदल जाती है। ये फुजीनॉन का लेंस है, बढ़िया लेंस है, अच्छी क्वालिटी का लेंस है, ये है 50-140 मिलीमीटर। आप ऐसा कभी लेंस सुने नहीं होंगे, ये बड़ा थोड़ा ऑड नंबर है, लेकिन जैसे आप क्रॉप लगाते हैं तो हो जाता है 75-210, ये बहुत कॉमन है, मतलब जनरली इसे 70-200, ये बहुत कॉमन वेडिंग लेंस है, क्योंकि इससे थोड़ा सा आप दूर रहेंगे, मतलब सब किसी के चेहरा पे आपको जाकर कैमरा नहीं रखना पड़ेगा, और ये 200 है या मतलब तो आप थोड़ा पीछे रह के भी काफ़ी बड़ा एरिया कवर कर सकते हैं। ये काफ़ी पॉपुलर और सक्सेसफुल लेंस है, तो सब लोग फूजी वाले तो खुश कि अरे भैया इतना बढ़िया हमको मतलब समझिए 70-200 मिलीमीटर मिल गया, बल्ले बल्ले। F2.8 मतलब लेंस पे लिखा हुआ है F2.8, मतलब एपर्चर रिंग में आप देखिए F2.8, अति बल्ले बल्ले कि भाई इतना सस्ता लेंस है, क्योंकि इसका दाम सिर्फ 150,000 रुपये है। और फूजी चाहती कि आप इसको कंपेयर करें सोनी का F2.8 से, वहीं गलती हो जा रहा है, आपको कंपेयर करना है इसको सोनी के F4 से, क्योंकि जैसे ही एपर्चर को मल्टीप्लाई करेंगे आपका F4 हो जाएगा। तो सब लोग एपर्चर मल्टीप्लाई कर देता है नंबर पे, वो 50 मिलीमीटर को चेंज कर लेंगे लेकिन एपर्चर पे छोड़ देते हैं। अब जब मैं एपर्चर पे लगाता हूँ वो मैथमेटिक्स, तब देखिए क्या हो रहा है, ये लेंस का वजन जो है 990 ग्राम से ज़्यादा है, ये लेंस जो कि सोनी का है 70-200 मतलब समझिए एकदम एग्जैक्टली सेम है, F4 है, यानी कि जो आउटपुट है दोनों का सेम आएगा, बैकग्राउंड ब्लरी के मामले में और लो लाइट परफॉर्मेंस के मामले में दोनों का सेम आएगा। और इसका वजन है 840 ग्राम, मतलब ये एक्चुअली हल्का है, ये इस पर उतना ध्यान मत दीजिए, मतलब एक 800 और 900 ग्राम मतलब उतना अंतर नहीं, हाँ ये 200 या 500 ग्राम का होता तो बहुत बड़ा बात होता। और इसका दाम है 1,03,000 रुपया। अब आपको समझ में आया, मतलब यही जैसे ही लोग एपर्चर को मल्टीप्लाई करते हैं आपका दिमाग खत्म हो जाएगा कि मतलब लिटरली। इसी कारण से मैं किसी को नहीं बोलता हूँ कि क्रॉप सेंसर लीजिए या कभी भी क्रॉप सेंसर का लेंस लीजिए, क्योंकि मतलब आपको हमेशा सस्ता पड़ेगा फुल फ्रेम लेना। और ऐसा क्यों है, मास प्रोडक्शन यानी कि किसी भी चीज़ का लाख करोड़ों पीस बनाने पे दाम घट जाता है। मतलब APS-C कभी वैसा नहीं टिका, मतलब डिजिटल के मामले में, मतलब फिल्म तो आया और आते ही गायब हो गया, मतलब और ये जो चला मतलब उसका डिजिटल सेंसर जो आया वो भी इसलिए टिका हुआ है कि लोग खरीद लेते हैं उसको, उसके बाद फुल फ्रेम में चले जाते हैं, तो इसलिए समझिए वो एक स्टेपिंग स्टोन जैसा बना हुआ, उस पर कोई आगे नहीं करता, इस पर आपको कभी नहीं दिखेगा कि हाँ मतलब इक्का दुक्का मिल सकता है, ऐसा नहीं है कि मतलब आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन 90% क्रिकेट मैच का आप देखिए सबको कैनन नाइकॉन सब फुल फ्रेम होगा। और आप मतलब कोई मॉडलिंग शूट में जाइए फुल फ्रेम होगा या तो मीडियम फॉर्मेट चले जाएंगे, कोई भी छोटा नहीं आता है। इसी कारण से कि लेंस हमेशा आपको छोटा में महंगा पड़ेगा। और आप सोचे क्या थे कि भैया मैंने छोटा सा सेंसर ले लिया है तो मेरा लेंस हल्का होगा, हल्का तो नहीं है, F4 का लेंस यहाँ है 840 ग्राम का, यहाँ 999 ग्राम का है, तो मतलब आपको फ़ायदा क्या हुआ, आपने पैसा भी ज़्यादा दिया, आपको ये भी मतलब ब्राइटनेस भी ज़्यादा नहीं मिली, आपका लेंस भी भारी हो गया, और प्लस
अगर मान लीजिए आप इससे लिए, सीखे, समझे, आपको अच्छा लगा कि हाँ F4 अच्छा, अब हम F2.8 पे जाना चाहते हैं, यहाँ पे तो आएगा ही नहीं, फूजी में ऐसा कोई लेंस है ही नहीं जो इसके कंपेयर में आ सके। और इससे मतलब अगर आप प्राइम लेंसेस लेना चाहते तो भी यही बात हो जाता है। इसीलिए मैं कभी किसी को नहीं बोलता हूँ कि भैया मतलब APS-C लो, मतलब एटलीस्ट लेंस तो लेंस तो मत लीजिए, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि आपको शुरू में चुभेगा कि भैया मतलब ये क्या बोलते हैं फुल फ्रेम कैमरा बहुत महंगा होता है, लेकिन लेंस के मामले में जान लीजिए कि सीधा सीधा हमेशा लेंस आपको सस्ता पड़ेगा। यही कंपनी चाहती है कि आप मतलब कंपनी आपको ये लेंस बेच रही है और चाहती है कि आप कंपेयर करें कि इससे, क्योंकि आप एपर्चर को मल्टीप्लाई करना भूल गए। सब लोग एकदम प्यार से एकदम मैथमेटिकली अप्लाई कर देते हैं मिलीमीटर को, लेकिन एपर्चर में ध्यान हटा देते हैं। तो वही सोचिए कि ये एक तो ऊपर सस्ता पड़ गया आपको, और प्लस ये फुल फ्रेम का, यानी कि ISO परफॉर्मेंस, यानी कि पिच बड़ा होने के चलते जो पिक्सल की नॉइस परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी वो भी आपको मिल जाएगा। तो ये लो लाइट भी आपको ज़्यादा बेटर देगा, क्योंकि जो जनरली जिस सेंसर में लगाएंगे वो बेटर होगा। तो समझ लीजिए कि इसीलिए यही झूठ के चलते माइक्रो फोर थर्ड इतना स्पीड से आया, उतना स्पीड से गायब भी हो गया, इसीलिए पैनासोनिक कूद गया, भैया ये नहीं हो पाएगा। आप खुद ही सोचिए कि पैनासोनिक $2000 में फुल फ्रेम दे पा रहा है और $2000 में GS5 दे रहा है, कैसे? माइक्रो फोर थर्ड और फुल फ्रेम, जमीन आसमान का अंतर है सेंसर के साइज में, 2x का अंतर है, तो कैसे वो दे पा रहा है? वही समझिए, सेंसर छोटा कर देने का कंपनी का आइडिया था। शुरू में सिलिकॉन बनाना बहुत मुश्किल था, लेकिन वो आइडिया गलत था। सिलिकॉन की इंजीनियरिंग प्रोसेसर के चलते, मोबाइल के चलते इतनी एडवांस हो गई कि अब हम सिलिकॉन आराम से आँख बंद करके बना लेते हैं। अब दाम लगता है कैमरा पे प्रोसेसर का, जो DIGIC 5 आप सुनते हैं, DIGIC 6 सुनते हैं, या एक्सपीडियस सुनते हैं, या सोनी में अल्फा, नहीं सोनी में ब्राविया है, ये सब जो आप सुनते हैं उसका दाम लगता है, ना कि सेंसर का। तो इसी कारण से फूजी अगर आप ले रहो तो आप मेन खर्चा किस में करोगे? लेंस में करोगे, क्योंकि इंटरचेंजेबल लेंस कैमरा लिया है। आपने जैसे ही लेंस लेंगे आप लटक जाएंगे, भैया यही फुल फ्रेम वाला ही सस्ता पड़ रहा था। और फुल फ्रेम में तो आप बढ़ा ऊपर भी जा सकते हो, यहां तो आप ऊपर ही नहीं जा पाओगे। तो इसी कारण से कि मतलब लोगों का सबसे पहला इंस्टिंक्ट होता है, मतलब जो सबसे पहली सोच आती है वो कि अरे छोटा है सस्ता पड़ेगा, वो तो हुआ नहीं ना। मतलब आप इंटरचेंजेबल लेंस ले रहे हो, आपका एक दो लेंस तो खरीदोगे, और वही एक दो लेंस में आपका जितना पैसा बचा था फुल फ्रेम मतलब बॉडी खरीदने में उतना आप डुबा चुके होंगे। तो इसी कारण से APS-C बॉडी, और प्लस अगर फूजी ऐसा करता है कि उसका बॉडी बहुत सस्ता होता, मान लीजिए 30-40 हज़ार का बॉडी होता, तो मैं हंसी खुशी एयर में कहता भाई उतना सस्ता में तो कोई सोनी देखेगा ही नहीं। लेकिन आप वही देखिए, फूजी फिल्म XT3 मतलब कंपनी के साइड से दाम बता रहा हूँ, आप बोलिए मार्केट वाला उसका मैं कुछ नहीं, कंपनी ये दाम पे चाहती है आपसे, तो ये है 1,08,000 पे। अगर मैं इस पे 20-30 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा डाल दूँ तो मुझे सोनी A7 III मिल जाएगा, और प्लस जो पैसा मेरा एक्स्ट्रा लग गया 20,000 या 30,000, वो सारा तो मेरा लेंस में बच जा रहा है। दूसरा, और लेंसेज जो है इसका बहुत एक्सपेंसिव होने का दो कारण है। पहला कि फूजी फिल्म जो है एक बड़ी कंपनी नहीं है, यानी कि उनकी फैक्ट्री में वो 10-20 हज़ार लेंस बनाते हैं, वहीं सोनी का अगर लेंस में जाइएगा तो 1,50,000-1,50,000 बनाते हैं, वहीं कैनन में जाइएगा वो करोड़ में बनाते हैं। तो समझ लीजिए कि मास प्रोडक्शन उतना बड़ा ना होने के चलते वो चाह के भी दाम नहीं घटा सकते। ऐसा भी हो सकता है कि सोनी आपको कम दाम में ज़्यादा प्रॉफिट निकाल ले रहा हो, क्योंकि वो ज़्यादा बनाता है। तो वही समझिए कि लेंस बहुत महंगा है। दूसरा, थर्ड पार्टी का सपोर्ट नहीं है फूजी को, और मतलब फूजी अपना लॉक रखता है। कैनन और नाइकॉन भी थर्ड पार्टी सपोर्ट नहीं देता, लेकिन वो इतने बड़े हैं कि सब कंपनी खुद से मेहनत करती है। सोनी जब आया मार्केट में, सोनी को मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट मतलब कैप्चर करना था, इसलिए सोनी ने अपना जो माउंट इस्तेमाल किया, ई माउंट जो है वो खुला था, एकदम खुला कि भैया टैमरॉन और सिग्मा अपना समझ के लेंस बनाएंगे, और सोनी मतलब उनसे एकदम सीरियसली बात, भैया मेरा ऑटो फोकस का एल्गोरिथम ऐसे बात करता है, फूजी ऐसा नहीं करता। तो अभी जो मैंने आपको लेंस के दाम दिखाए थे, आप उसी दाम में, जैसे मैंने F4 से कंपेयर किया, आप F2.8 ले सकते हैं 1,00,000 के अंदर, अगर आप सिग्मा का लेते हैं तो, और टैमरॉन भी कुछ दिन के अंदर रिलीज करने वाला है। तो आप समझ लीजिए कि इसी कारण से आपको लेंस हमेशा फुल फ्रेम का सस्ता मिलेगा। और आप बोलो कि नहीं मेरे को परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, तो भाई इंटरचेंजेबल लेंस कैमरा में आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? मतलब अच्छा से आप ये ले लीजिए, नया नया मोबाइल लीजिए, हर दो साल में नया, दो साल क्या, एक साल में लीजिए, आपको दाम के मामले में सस्ता पड़ेगा, प्लस अच्छा मोबाइल हो जाएगा आपके पास। तो इसीलिए, और मैं हर आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि ये कंपैरिजन आप खुद कीजिए। मैंने नीचे लिंक दे दिया है मतलब फूजी का इंडियन वेबसाइट का लेंस के साथ, सोनी का लेंस के साथ, प्लस मैंने उसमें ये भी कर दिया कि 35mm का ही दिखाएगा आपको सिर्फ, और सिर्फ ई माउंट का दिखाएगा, ए माउंट का नहीं दिखाएगा। तो अब आप आराम से खुद से कंपैरिजन कीजिए, दाम देखिए, वज़न देखिए, मेन तो वज़न नहीं होता, क्योंकि अगर आपको कोई बोलता है यार ये लेंस दुगना महंगा है, लेकिन आधा वज़न का लोग तो फ्री मतलब ले लो, टेक माई मनी हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि प्लस अगर सिग्मा और टैमरॉन का लेंस देखने गए तब तो बस काम ही खत्म है, तो ये सब का लेंस तो फ्री में मिल जाएगा आपको। इसीलिए मतलब जैसे एक एग्जांपल है, एक बहुत भयानक एग्जांपल है, ये है 50,000 का लेंस सोनी का मतलब FE लेंस 1.8 का है, F1.8 फुल फ्रेम में 35mm का। उसका इक्विवेलेंट मैं खोजने की कोशिश किया कि मतलब 27 लेंस का जो सिलेक्शन, उसमें खोजने की कोशिश किया, उसमें सिर्फ एक 23mm मतलब जो हो जा रहा है 35mm 34 हो जा रहा है,
ये है f2.8, तो सब लोग f2.8 का, ये है 70,000 का लेंस मतलब। और आप बोलोगे मार्केट में, भाई मार्केट में तो ये सोनी भी कम मिलेगा, तो इसीलिए मैं आपको कंपनी के दाम से बता रहा हूँ, कंपनी के वजन से बता रहा हूँ, तो और ये मतलब हल्का है, तो इसीलिए समझिए, इसीलिए मैं किसी को सोनी ये मतलब एक क्रॉप सेंसर लेने नहीं बोलता। अगर आप लेना चाहते हैं ठीक है, बॉडी लीजिए, लेंस पे प्लीज़ मत कीजिए, क्योंकि खुद ही का सिर पिटिएगा आप बाद में। और हाँ, अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ता, तो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने आपको बताया कि फूजी जो लोग खरीदते हैं वो खुश रहते हैं फूजी से, क्यों भैया जो फोटो खींचे ना जो जेब पे गाया एकदम मिजाजी, जो लोग को मतलब मतलब जिनकी रोजी रोटी चलती है वो लोग मतलब थोड़ा सा ग्राइंडिंग कर रहे हैं, मतलब एक अलग तरीके का उनका काम है, तो वो किसी भी कैमरा से काम कर ले, वो नाइकॉन से भी कर लेंगे, वो कैनन से भी कर लेंगे, सोनी से भी कर लेंगे, फूजी से बस नहीं करेंगे, क्योंकि लेंस ही नहीं मिलता है। मतलब आप किसी ब्राइडल ग्रूम का फोटो लेना चाह रहे हैं, थोड़ा दूर से है, एकदम 200 mm पर जूम कर दिया आपका ये APS-C एकदम मिजाजी जूम कर दिया, बैकग्राउंड ब्लरी नहीं हो रहा, मतलब ब्राइडल ग्रूम को आइसोलेट नहीं कर पा रहे हैं कि भैया पीछे का जो डेकोरेशन है वो एकदम ब्लरी हो जाए, आगे के जो भीड़ है वो थोड़ी ब्लरी हो जाए, होगा ही नहीं, क्योंकि आएगा ही नहीं उतना महंगा लेंस, तो इसी कारण से मतलब उतना बड़ा लेंस, इसी कारण से मैं किसी को फूजी देने नहीं बता। कंपनी बुरी नहीं, कंपनी बहुत स्मार्ट है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन दाम जो है सही नहीं है, और वो उनकी गलती नहीं है, वो APS-C में उनका मेन प्रॉफिट भी नहीं होता है, मेन प्रॉफिट होता है उनका मीडियम फॉर्मेट में, तो इसीलिए मैं आप लोग में से किसी को नहीं बोलता कि भैया आप APS-C पे इन्वेस्ट करो, खास करके फूजी में, क्योंकि सिर्फ उसके पास APS-C, ऐसा भी नहीं है, सोनी में आपको कह सकता हूँ 6600 ले लीजिए या 6100 ले लीजिए, और लेंस आप पहले ले लो, लेंस बड़ा बड़ा ले लो, और बाद में जैसे आपका पॉकेट बड़ा हो जाए तो आप बढ़िया से फुल फ्रेम ले लो, वैसे तो आप कर भी नहीं सकते फूजी में, इसी कारण से मैं कभी किसी को फूजी रिकमेंड नहीं करता। अच्छी कंपनी है, अच्छा कैमरा है, दाम बस दर्दनाक है, और दाम हमेशा कंपेरिजन में देखा जाता है, कंपेरिजन में देखने के बाद मतलब बताया कि मतलब भाई कंपैरिजन मतलब इसके साइट में खूब सारा सैंपल इमेजेस दिया, f2.8 का सैंपल इमेज मैंने सर्च किया, तो ठीक है मतलब बैकग्राउंड ब्लर अच्छा है, लेकिन मतलब इसका f1.8 का ब्लर देखा, वही इसी कारण से मैं नहीं किसी को रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि आपका पैसा नहीं बचता है, पहला तो आपका बॉडी लगभग उतना सस्ता तो है नहीं, दूसरा लेंस का दाम देख के आपको ऐसे ही हार्ट अटैक आ जाए, तीसरा मतलब थर्ड पार्टी का लेंस अवेलेबल ही नहीं है फूजी में, तो इसी कारण से मैं किसी को फूजी लेने नहीं कहता हूँ। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन कि मैं फूजी क्यों नहीं रेकमेंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कुछ अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला हो, अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए, नहीं अच्छा लगा नहीं पसंद आया कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं, मैं कहूँगा डिसलाइक दो बार दबाइए, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखिए, क्योंकि मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप नहीं है तो। आपने मेरा वीडियो देखा जानकर मुझे बहुत खुशी हुई, धन्यवाद।